हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डिज़ाइन करने के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डिज़ाइन करने वाले हैं। नहीं देखा तो साइड में यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से हम हमारे डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो क्लास तक जरूर देखना। जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा वो डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो गाइज, सबसे पहले हमें हमारे मटेरियल्स को डाउनलोड कर लेना है, जो कि लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली वो आ जाएंगे आपके गैलरी में। गैलरी में आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन दिखाई देंगे, तो उनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अपने डेमो प्रोफाइल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे डिज़ाइन देख सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इजिली फॉलो करके ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। फिलहाल फोकस करते हैं हम हमारे इस डिज़ाइन पर। तो चले जाना फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बहुत सारे डिज़ाइन दिखाई देती है। तो मैं जिस डिज़ाइन को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें इंस्टाग्राम फीड ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर ईजिली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस एरो पर हमें ईजिली क्लिक कर देना है और सेम टू सेम अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोडिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि ये इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अपलोड होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें मिनिमाइज़ कर देना और फिर से चले जाना अपने गैलरी में, और इस डिज़ाइन को अनसेलेक्ट करके हमें दूसरे वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस के साथ फ्रेंड्स, हमें इसे फीड पर क्लिक कर देना है और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको दिखाई देगी, अपलोडिंग के टाइम पे आपको नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देखिए फिनिश अप आ चुका है और हमारी डिज़ाइन अपलोड हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को फिर से अनसेलेक्ट कर लेना है और हमारे तीसरे वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना। सेम सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लेफ्ट साइड स्क्रॉल करने के बाद फीड ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस डिज़ाइन को भी अपलोड कर देना है। ये डिज़ाइन अपलोड होने के बाद फ्रेंड्स, हमें फीड्स को चेक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिज़ाइन ठीक से अपलोड हुई है कि नहीं, इससे हमें एक आइडिया लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी डिज़ाइन ठीक तो लग चुकी है, लेकिन सिर्फ पहला ही पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हम चलेंगे फ्रेंड्स फिर से हमारे गैलरी में और उसके बाकी के पार्ट्स को भी अपलोड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे तीन डिज़ाइन को अपलोड कर दिया। हम चौथी वाले डिज़ाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फीड ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से एरो पे क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना। अब इस डिज़ाइन को अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इसे मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे जो भी पिक्चर को इस बीच में लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से अपने किसी भी एक डेमो वाले पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे हमारे एक डेमो पिक्चर को ले लिया है, उसको भी सेम सेलेक्ट कर लेना है और फीड पे क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इजीली अपने पिक को अपलोड कर दिया है। फिनिश अप आ चुका है, फिर से मिनिमाइज़ करना है। चले जाना है अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से अपने वाले डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ोटो को अपलोड करने के बाद देखिए, ये राइट साइड वाले डिज़ाइन को अपलोड कर देना है, ताकि हमारी डिज़ाइन मैच हो सके। फिर से देख लेना फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो मैं ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिनिशअप आ चुका है, हमारी छठी डिज़ाइन अपलोड हो चुकी है। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने प्रोफाइल को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सही तरीके से लग चुकी है हमारी डिज़ाइन। अब फ्रेंड्स, हम टॉप के डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें क्या कर देना है फ्रेंड्स, इस वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर देना है, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फीड पे क्लिक करना है और यहाँ से इजीली इसको शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। और यहाँ पे देखिए फिनिशअप आ चुका है, मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद हमें इस वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी किंग नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ से इजीली इसको सेंड कर देना है, थोड़ा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके फीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इजीली
हमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे फिनिशअप आ चुका है, फिनिशअप आने के बाद फ्रेंड्स हमें मिनिमाइज़ कर देना है और इस वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फीड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डिज़ाइन अपलोड हो चुकी। तो हम इजीली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को रिफ्रेश कर देते हैं और दिखने में कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन दिखाई देगी जो कि आप देख पा रहे हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन दिखाई देती है जो कि बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसमें कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आपको और एक डिज़ाइन को ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको पसंद आए तो आप लगा सकते हैं, नहीं पसंद आती है तो मत लगाइए। इस पिक को आप 3 बार अपलोड कर सकते हैं या फिर इस पिक को आप 3 बार अपलोड कर सकते हैं, दोनों को मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको अपलोड कर देंगे तो सेम प्रोसेस के साथ फीड पे हमें क्लिक कर देना है और इसको अपलोड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये फिनिशअप हो चुकी है, मतलब अपलोड हो चुकी है। सेम उसी को सेलेक्ट रहने देना है, फिर से फीड पे क्लिक कर देना है, एरो पे 2 बार क्लिक करके यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फिनिशअप आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फिर से सेलेक्ट रखना है और फीड पे क्लिक कर देना है सिर्फ, और यहाँ पे देखिए हमारी डिज़ाइन फिनिशअप हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को और कैसा दिखाई देता है, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे अपलोड कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से वो दूसरा वाला जो पिक था उसको भी अपलोड कर सकते हैं। दिखने में ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक दिख जाता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स प्रेजेंट होती है हमारी डिज़ाइन, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में जाके, और हाँ वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया और यहाँ तक वीडियो देखी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टाटा।